हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपाली और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ग्लैम मेकअप लुक, जो लुक आप इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। बहुत इजी मेकअप लुक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसके साइड में एक बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस को क्लीन कर लिया था। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइफ का रोज ग्लो टोनर। फेस वॉश के बाद टोनिंग बहुत जरूरी होता है फेस को हाइड्रेट करने के लिए। अभी मैं यूज कर रही हूँ बायोटेक का मॉइस्चराइजर। अभी मैं ग्लैम 21 का आईब्रो किट यूज़ करूँगी। ये दोनों सेट लेके मैं आईब्रो को फिल करूँगी। अभी मैं स्पूली की हेल्प से थोड़ा सा स्मर्ज करूंगी आईब्रोज को। अभी मैं यूज कर रही हूँ आई को प्राइम करने के लिए कंसीलर रिच ब्यूटी का। ये कंसीलर बहुत अच्छा है। अगर आप बिगिनर हो तो जरूर ये ट्राई करके आप लोग देख सकते हो। ये बहुत अफोर्डेबल है एंड ये काम भी बहुत अच्छा करता है बहुत। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। बहुत क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर है ये। अब लोग ब्रश भी यूज कर सकते हो। इसकी एजेस को मैं क्लीन कर लूंगी आईब्रोज को शार्प करने के लिए ऐसे। और अभी मैं लैक्मे की लूज पाउडर से इसको सेट कर लूंगी। गाइस, अगर आप लोग कंसीलर आई पे अप्लाई कर रही हो तो उसके बाद इसको सेट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जब आप लोग आई शेडो उसके ऊपर प्लेस करोगे तो उस टाइम आई शेडो अच्छे से निखर के नहीं आएगा जो कलर आप अप्लाई कर रहे हो। एंड स्मूथली ब्लेंडिंग भी नहीं होगा, वो ना उसके लाइन आ जाता है उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उसको कंसीलर को आप लोग सेट कर लो। तो नेक्स्ट में यूज कर रही हूँ लियोन ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, न्यूट, शिमर, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। और इसमें से अभी मैं लाइट ब्राउन कलर पिक करूँगी, ये वाला। और हमेशा जब आप लोग आई शेडो अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट लेके, आई शेडो को लेके आप लोग हमेशा लगाने से पहले ऐसे करके डस्ट ऑफ कर लो उसको, आई शेडो को, ताकि ज़्यादा ना लग जाए। क्रीज लाइन पे मैं प्लेस करूँगी आई शेडो को और आउटर वी की तरफ मैं उसको ब्लेंड करूँगी, इनर वी की तरफ नहीं लेके जाऊँगी। तो इसको यहाँ पर मैंने कर दूँ और थोड़ा ऊपर भी। अभी मैं ये से पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश से ये मजेंटा शेड में पिक करूंगी
ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है कितना आप लोगों को दिख रहा है, बट मैं मजेंडा कलर बर्गेंडी कलर में पिक करूँगी एंड मैं बर्गेंडी कलर को आउटर वी की तरफ प्लेस करूँगी। अभी मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेके लाइट ब्राउन शेड लेके इसको इसमें मैं जो हर्स लाइन आ रहा है उसको ब्लेंड कर लूँगी इसके साथ। ये हर्स लाइन ये जो आ रहा था ये ना दिखे। अभी मैं आप मैट भी रख सकते हो ये लुक को, और थोड़ा सा अगर सिमर चाहिए तो सिमर वाला जो ये वाइट कलर होता है ये थोड़ा सा शिमरी है, ये मैं वाइट कलर ले रही हूँ फ्लैट ऐसे फ्लैट ब्रश से इसको मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ। मजेंडा कलर लेके दोनों कलर को मिक्स कर लूंगी ताकि एक लाइन ना दिखे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फोन से कर रही हूँ वीडियो तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा फ़ोन पे, लेकिन ये कैमरे में होता ना बहुत अच्छा दिखता है ये शेडो। मैंने सेम प्रोसेस से दोनों आई कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी लाइनर। मैं मेबलिन की लाइनर यूज़ करूँगी, थोड़ा विंक आईलाइनर ड्रॉ करूंगी और थोड़ा थिन भी। मैंने दोनों आई कंप्लीट कर लिया है। सो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं लोटस की काजल से लगा लिया मैंने। अभी मैं वाटर लाइन पे ये मिस क्लेयर का वाइट काजल है मैं इसको यूज करूंगी। लेकिन गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे मिस क्लेयर का जो ये वाला काजल है ये इतना पिगमेंटेड नहीं है, बहुत बार ऐसे ड्रॉ करने के बाद जाके ये पिगमेंटेशन आ रहा है ये वाला, तो वो भी आप लोग देख रहे हो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ये इसके लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये मैंने बाय किया था नायका से। मैं आप लोगों को मेरा नायका एंड पर्पल का हॉल भी दिखाऊँगी। अभी मैं फेस को प्राइम करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस प्राइमर लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। ये इल्यूमिनेटर का भी काम करता है। ग्लो मुझे बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट, ये बहुत अफोर्डेबल भी है। अगर आप लोगों को बिगिनर के लिए मेकअप अफोर्डेबल मेकअप
किट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन मेबलिन का शेड नंबर 128 वॉर्म न्यूट। आप लोग फाउंडेशन के साथ इल्यूमिनेटर भी, अगर आप लोग नॉर्मल प्राइमर लगा रहे हो तो आप लोग इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन के साथ। ऐसे डैबिंग मोशन में मैं करूंगी इसको ब्लेंडिंग। थोड़ा सा नेक भी लगा लूंगी। जब भी फाउंडेशन आप लोग अप्लाई करते हो उसको अच्छे से डैबिंग मोशन में कीजिए ताकि फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो और स्किन फ्लॉलेस दिखे, क्योंकि डैबिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेकअप का एक प्रोसेस। अभी मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। कंसीलर को हमेशा उसी जगह अप्लाई कीजिए जहाँ पे आपको जरूरत है, उसको पूरे फेस पे नहीं करना है, ऐसे ड्रैग नहीं करना है उसको। जहाँ पर आपका पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या स्पॉट है वहाँ पे। अभी मैं लूज पाउडर से पूरे फेस को सेट कर लूँगी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है गाइस, नहीं तो आपका ऐसे लाइंस आ जाता है। मैंने लैक्मे के लूज पाउडर से पूरा फेस को सेट कर लिया है। अभी मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर, एक्चुअली ये स्टेगोके का ब्लश है, मैं ऐसे ब्रॉन्जर यूज करती हूँ। जॉ लाइन पे भी कर रही हूँ। और नोज पे मैं ऐसे स्ट्रेट इस ब्रश से नोज पे करूंगी। थोड़ा लूज पाउडर लेके बेकिंग कर लूंगी। स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट और बर्गंडी आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये डार्क कलर ले लूं ब्लश के लिए।
हमेशा जब ब्लश अप्लाई कर रही हो, ज़्यादा लग गया, तो जब ब्लश अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो हमेशा स्माइल कीजिए, और ये जो स्माइल करने का जो ये चिप्स में एप्पल बनी हुई है तो उसमें लगाया कीजिए, तो इजीली ब्लश, किसी किसी को पता नहीं होता है कि ब्लश कहाँ लगाए, ब्राउजर कहाँ चाहिए, हाईलाइट कहाँ लगाए, तो ऐसे कीजिए तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है गाइस, और डार्क कलर है थोड़ा सा। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड क्रोम का, मेबलिन का मस्टर्ड क्रोम हाइलाइटर। ये मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं हाइलाइटर यूज करूँगी, ये फैन ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर यूज करूँगी। और इसी हाइलाइटर से मैं थोड़ा सा ब्रॉ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। और आईज की इनर कॉर्नर को इसी ब्रश से मैं आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, बेला का लिप क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ मैं। सो मैं बेला का लिप क्रेयॉन से लिप्स को ऐसे आउटलाइन कर लूँगी एज ए लिप लाइनर। देन मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी वुमेन का 203, बहुत फेवरेट लिपस्टिक है ये, बर्गंडी शेड आएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा मैच कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ सॉरी। आई लव दिस शेड, मुझे बहुत पसंद है ये वाला लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा बहुत। तो क्या लिपस्टिक, अभी मैं ये दोनों शेड लेके जो मैंने आई शेडो के लिए अप्लाई किया था लोअर लाइन में अप्लाई कर लूँगी। मेबलिन का मस्कारा, ये मिनी मस्कारा है मेबलिन का, हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ है ये। मुझे पर्पल से मैंने शॉपिंग किया था तो मुझे ये गिफ्ट मिला था ये वाला। इसमें और इसमें आप लोग फर्क देख सकते हो। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ओकैन ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप डन है मेरा। This is my final look guys. अगर आप लोगों को ये look पसंद आए तो please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. And आप लोगों को
ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमें अच्छा लगता है, हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये, आप लोगों को ये लुक। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।